Son of our masters, and we are going to again organization break. Sons and generally, अगर कोई बात बोलता आपको कि organization क्या है, what is an organization, and how they will work here on the organization, define organization in a greater sense so that we can clear it. It's for you, me, and everyone of us, and we are here with the classic of learning. Really, the classic of learning presents organization for all of you, as well as those are Hindi medium students. I'm going to work out the Hindi too. संगठन जनरली संगठन होता गया. अगर आप बोलते हो किसी ग्रुप को या किसी एक एनवायरमेंट में जहां मिलकर काम कर रहे हैं, हम एक ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं. एग्जीक्यूटिव कैन से द ऑर्गेनाइजेशन इज ओवर देयर. हियर द ऑर्गेनाइजेशन डू वर्क विद सर्टेन फैक्ट्स. अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्टिव. जब हम लोग मिलकर काम करते हैं, अगर मैंने आपको बोला हम लोग एग्जैक्टली द वर्किंग एंड पीपल, हम लोग इट बी अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर फॉर कॉमन ऑब्जेक्टिव. जहां पे कुछ महत्वपूर्ण लोग मिलकर आपस में काम करना शुरू कर देते हैं, एंड दे स्टार्ट वर्किंग विद अ कॉमन ऑब्जेक्टिव. द बेसिक थिंग दैट वी विल वर्क ऑन कॉमन ऑब्जेक्टिव. सो व्हाई द पीपल विल वर्क ऑन कॉमन ऑब्जेक्टिव. जल्दी यार मेरे को चाहिए नंबर, आपको चाहिए नंबर, हम मिलकर काम कर रहे हैं तो हम इधर टीम बना रहे हैं. एग्जैक्टली वी बीन फॉर्मिंग अ ऑर्गेनाइजेशन. अच्छा ऑर्गेनाइजेशन जल्दी हमारे लिए काम करती है या नहीं करती है लेटर देखेंगे, लेकिन अभी जो हमारे लिए जरूरी है वो ये है कि हम समझ पाए कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है और ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे करती है. एग्जैक्टली First of all, we need to work out the steps in process of organization. अच्छा एक process अगर हम बोलते हैं किसी भी संगठन को बनाने के लिए हमें step by step तो जाना पड़ेगा. We have to work out. तो सबसे पहला काम क्या होगा किसी भी organization, किसी संस्था या किसी संगठन को बनाना है तो हमें सबसे पहले क्या आना चाहिए. The first thing that we need to work out is identification of division of work. Sir, this is identification of division of work. मुझे काम को बांटना पड़ेगा. I will give an example. मैं आपको example देता हूँ. एक ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन चल रहा है, जैसे मैंने बोला क्लासिक ट्यूटोरियल्स एग्जिस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन डिवीजन हुआ. वी डू हैव डिफरेंट फैकल्टीज. हर सब्जेक्ट को पढ़ाने के अलग टीचर है, वो काम करता है. अरे यार आपका स्कूल, द स्कूल वेयर यू स्टडी इज द ऑर्गेनाइजेशन. एग्जैक्टली द ऑर्गेनाइजेशन जहां पे आप देखा हर सब्जेक्ट का अलग टीचर है, इवन हर क्लास में हर सब्जेक्ट अलग टीचर पढ़ा रहा था. आइडेंटिफाई कर दिया जाता है कि कौन कहां पे क्या काम करेगा. द वर्क टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड. Exactly, if you want to see the example of organization in your ideal senses, in your life, you can work it in your school, through the management or any other firm, and you can see. Now, first is identification of digital work. Sir, जब हम digital work करते हैं, उसके बाद हमारे सामने the second point that comes to mind is department. अच्छा, department में क्या होता है? आपको कैसे क्लियर करूँ? The first thing that been worked out is the department division. अच्छा department department लगा होते हैं, अलग अलग head होते हैं. example देखना, आपके school में English का department लगा होगा, science का department लगा होगा, humanities का department लगा होगा. same in the organization, किसी भी organization जब वो काम कर रही है, वो अलग अलग department को work out करती है. sir, then जब हमारा बन जाता है, हम क्या करते हैं? assign करते हैं duties को. this is something very important. किसी भी organization में काम करने के लिए मेरे को duties को assign करना बहुत जरूरी है. If I am not able to assign that duty to a particular task or particular people, how would I get the results? The expected result. आप किसी संगठन में लोगों को काम को बांट दो, आप काम का विभाजन कर दो. काम का विभाजन करना है क्योंकि आपको काम चाहिए. अब जब काम चाहिए तो we have to divide the work so that we can get it what we want. And then the last process. This been establishing reporting relationship. सर आप काम कर रहे हो तो उसकी रिपोर्टिंग भी चाहिए हमें. टाइम टाइम फीडबैक चाहिए. आप पूरा साल पढ़ते हो उसके बाद आप बता दो. या मेरी वीडियो क्लास के बाद मैं आपको बोलता हूँ सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक. एग्जैक्टली वो रिपोर्टिंग है. आप क्या करते हो रिलेशनशिप बनाते हो, एस्टेब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशनशिप जो आप बता रहे हो कि क्या हो रहा है. प्रोसेस भी फॉलो हमारे लिए बहुत जरूरी है. एंड देन सेज दिस समथिंग दैट आई रियली वांट टू वर्क विद यू इज द इंपॉर्टेंस. सर इंपॉर्टेंस क्या चीज है? एग्जैक्टली दिमाग में आता कि सर अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, हम महत्व की बात कर रहे हैं, हम किसी संगठन की महत्व की बात कर रहे हैं कि संगठन क्यों है, संगठन का काम करना क्या है, और व्हाई देयर इज एन इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. एग्जैक्टली द पॉइंट. द फर्स्ट ऑफ बी द बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन. सर स्पेशलाइजेशन एग्जैक्टली व्हेन आई मीन अ स्पेशलाइज की जाना स्पेशलाइज की जो बिजनेस स्टडी तो आना स्पेशलाइज की जो समझ उस बैक इट गिव्स यू बेनिफिट. फ्रेंड्स व्हेन आई मीन अ स्पेशलाइज For a particular task, I'll be able to help you, I'll be able to solve your problems in an easy sense. किसी भी संगठन के अंदर जब एक आदमी किसी भी योग्य किसी आदमी सबसे स्ट्रॉन्ग है उस चीज को करने की तो क्या करेगा आपको चीज आराम से बता पाएगा रिजल्ट दे पाएगा जो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट. द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टू गेट स्पेशलाइज एंड देन सेज सर क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप. एवरीबडी नोज व्हाट द टास्क एवरीबडी नोज व्हाट द रोल टू प्ले.
clarity in work relationship. This is something that I really want. Somehow why I need you to say again and again that you must know what you're doing. Is the really clarity in work relationship effective administration? अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव कब होगी? जब उसकी पॉलिसी मेकर, जब उसकी टॉप सीनियर, जब उसका एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ जेन्युइन होगा, जेन्युइन इन सेंस सर इफेक्टिव एज एफिशिएंट होगा, सर वो बहुत सॉलिड होगा, सर इन अदर वर्ड्स आप बोलते हो उच्च आयोग जो हमारा उच्च बेसिकली हम बोलते हैं किसी टाइम में जो पॉलिसी मेकर है उनको अच्छी नॉलेज है, वो अच्छे से काम कर रहे हैं तो हर चीज को अकॉर्ड करवा पाएंगे. That is effective admission. काम को ढंग से करवाना. Sir, it is the optimum utilization of resources. Optimum utilization. Because you know optimum utilization of resources, you must go to economics chapters where you get to know what is optimum utilization. Utilization. बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबसे अच्छा अक्षर उत्तम. लेकिन हिंदी वर्ड भी तो सर्वोत्तम उपयोग. किसी भी चीज का यूजर सबसे अच्छा होना चाहिए. अच्छा जब हम एक ऑपरेशन में काम कर रहे हैं हम देखते हैं कि हमारी डिसीजन पॉलिसी बहुत अच्छी है तो हम हर चीज का बेस्ट यूज करते हैं. या वी गो टू द बेस्ट यूजर्स दैट ऑप्टिमम रीजन ऑफ रिसोर्सेज. नेक्स्ट पॉइंट वी डू हैव समथिंग इन माइंड इज दैट अडॉप्शन टू चेंज. वी ऑल बीइंग रेडी फॉर द अडॉप्शन टू चेंज. हम बदलाव के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए. कुछ भी हो सकता है. जनरली व्हेन यू आर बीइंग इन ऑपरेशन यू हैव टू बी रेडी फॉर द चेंज. अडॉप्शन टू चेंज चीजें बदलती हैं. ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम काम कर रहे हैं तो वी नीड टू बी डायनामिक. सम ऑफ बीइंग डायनामिक रीजन नाउ सो दिस इज इंपॉर्टेंट. अगर हम चेंजेस लेके आ रहे हैं तो हम आगे बढ़ पाएंगे. ऑलवेज रिमेंबर इफ यू वांट टू मेक द चेंज फर्स्ट चेंज योरसेल्फ एंड देन सेज डेवलपमेंट ऑफ पर्सन एंड फ्रेंड्स इज व्हेन यू बीइंग चेंजिंग अकॉर्डिंग चेंजिंग एज यू आर बीइंग कॉपी विद टेक्नोलॉजी इट मेक योर पर्सनैलिटी डेवलप. बिल्कुल ठीक आपने कहा. जब आप बदलाव में साथ लेके आते हैं तो आप अपने आप में क्या करते हैं अपने आप में इंप्रूवमेंट पाते हैं. आप हर चीज में बढ़वाते हैं जिसको हम क्या बोल सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल. एंड देन द लास्ट वन दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंशन ग्रोथ हाउ इट कैन बी फॉर एवरीवन ऑफ अस. से एक्सपेंशन ग्रोथ है क्या इस पे काम कैसे कर सकते हैं चेंजेस क्या आते हैं. से एक्सपेंशन जनरली अगर हम साइज से काम कर रहे हैं और एक ऑपरेशन जो इन चीजों वर्कआउट करेगी तो डेफिनेटली एक्सपेंड होगी. अगर एक्सपेंड होगी तो ग्रोथ तो बनती है जनरली. एंड देन देयर वी हैव समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इज दैट द ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर. नाउ व्हाट इज मीन बाय द ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर. दिस इज अ क्वेश्चन दैट डू कम्स इन माइंड. सर ये ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता क्या है एग्जैक्टली. आप संगठन का ढांचा बोलते हैं. आप संगठन का ढांचा या बुनियादी ढांचा या कुछ भी कह सकते हैं. हम इसको कैसे समझ पाते हैं हाउ वी कैन गेट इट. Here the point, the framework within which the managerial and operating tasks are being performed. I'll repeat my word, the framework within which managerial and operating tasks are performed. काम किया जाता है. आपने कहा एक organization है जिसके अंदर सारी policies as a production के सारे काम किए जाते हैं. उस पूरे structure को क्या बोलते हैं organization structure. संगठनात्मक ढांचा होता है हमारा जिसको हम कैसे क्लियर कर सकते हैं. इससे दो parts होते हैं. One is a functional and the other is a divisional. You need to work it out to function and divisional. If you remember the pre-principle management, you get to know about it a bit. Exactly. हमारे पास था functional. Sir, हमने functional में क्या जाना? Functional क्या होता है? Divisional क्या होता है? In other words, I can say the functional is can I in this department are created on the basis of specific function. So what is the specific function? Production function, marketing function, research and development function, or purchasing function. They are being different functions. Exactly different functions. हमने इनके अलग अलग department बना दी. We have created a different department for each section. So this is known as functional structure. Exactly. आपने कहा sir functional structure कैसे काम करता है. Functional structure इधर अगर हम दूसरे words में देखते हैं sir हमने कुछ भी नहीं किया. हमने क्या किया अलग department बना दिया. Purchasing का अलग बना दिया. Exactly production का अलग बना दिया. Research का development अलग बना दिया. तो इससे क्या हुआ marketing का अलग था. Every department is own heads. They can work it out. Exactly, as per the needs and requirements. On our graph, we do have divisional structure. Say, divide the work enterprise, RP. It's divide the whole enterprise according to the major products to be manufactured. Sir, आप उसने purchasing, marketing या production को अलग अलग नहीं किया. उसने क्या अलग किया? सबसे पहले उसने अलग किया अलग अलग products. It's a big company, man. And when a big company is there, then there's a need of divisional structure, not the function. Always remember, in this point, do come in mind while listening between these two, that a big organization needs divisional structure because they do produce lots of things.
हाँ जी, बड़ी संस्था क्या बनाती है, बड़ी साइज बनाती है, एक चीज को कस्टमाइज नहीं करते, वो कॉस्मेटिक बनाते होंगे जल्दी, वो आपके गार्मेंट्स में डील करते हैं, फुटवेयर में डील करते हैं, वो स्किन केयर में डील करते हैं। अब जो स्किन केयर में है, तो स्किन केयर के अलग प्रोडक्शन पार्टनर होगा, मार्केटिंग अलग होगा, उसका फाइनेंस केयर होगा। सेम विद गार्मेंट्स में प्रोडक्शन अलग होगी, मार्केटिंग अलग होगी, रिसर्च अलग होगी और परचेज अलग होगी, तो सेक्टर्स अलग अलग रहते हैं। तो हमारे पास दो सेक्टर हो गए, वन इज इन डिफरेंट फंक्शनल एंड द अदर डिविजनल। तो आप समझ गए सर, जब एक संस्था छोटी है तो ये कंपनी छोटी है तो उसमें फंक्शन कर सकता है, बट व्हेन इट्स अ बिग मैटर, व्हेन इट्स अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, देन वी नीड टू अडॉप्ट द डिविजन। Sir, there I need to mention that something that I've been telling you is that we need to work on a certain thing that I'm not telling you in this class. And we don't have much time. It's a video class, get bored while a big bang class. Really, you need to work it out. You need to work it out the certain thing that is sanitation, desanitation, and delegation of authority. And while dealing with delegation of authority, need not to forget the elements of delegation of authority. The elements, really, there are the three elements that I need to mention. I must be. The authority, responsibility, and accountability. And then there are two things that we all must know for organization, formal and informal organization. There's a distinction between these two also. Do come in paper. So, आपने कहा अगर हम पेपर कर रहे हैं हिंदी मीडियम में तो सर हमें औपचारिक और अनौपचारिक संगठन को बहुत अच्छे से करना है, बिल्कुल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने जो ध्यान रखना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो सब्सक्राइब का बटन दबाओ, really share this video with your friends so that they can get the benefit of watch my videos daily. Best luck for your future. Bye. Take care.